मोदी सरकार को बदनाम करने को विदेश में हीन चक्रांत देश में अस्थिरता सृष्टि उद्यम करुवा विदेशी संस्था सोनिया संपर्क अमेरिकीय एनजीओ सह गांधी परिवार संपर्क को नहीं बर्षिला बीजेपी उठिला प्रश्न भारत विरोधी विदेशी शक्ति सह अच्छी कि कांग्रेस हाथ विदेश में भारत विरोधी चक्रांत उपरू हटुची परदा गणतंत्र सुरक्षा नाँ संसद अधिवेशन में हंगामा करुवा कांग्रेस कारनामार आज पोल खोली बीजेपी सांबादिक सम्मेलन कर अमेरिकीय संस्था सह कांग्रेस और सोनिया गांधी संपर्क खुलासा करजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी काश्मीर प्रसंगे बारंबार भारत सरकार विरोध में कहता अमेरिकीय संस्था फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक्र चारिज सह अध्यक्ष अच्छा सोनिया गांधी मोदी सरकार को अस्थिर करने एक बिलियन डॉलर खर्च कर संस्था लोकसभा भी यही प्रसंग उठाई कांग्रेस को घेरी बीजेपी भारत विरोधी षड्यंत्र और देश विरोधी शक्ति को दृढ़ जवाब देवाक सबु दल एकाठी होगा आह्वान देते केन्द्रमंत्री किरण रिजिजू जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक और इसके बारे में कहा जा रहा है दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद अ मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें चार लोग सह अध्यक्ष हैं, चार लोग सह अध्यक्ष हैं और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन, ये आप देख सकते हैं वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरेस फाउंडेशन। अब डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं ऐसे ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। ये प्रथम थर नुहे, पूर्वरु भी एकाधिक थर देश विरोधी शक्तिर हीन उद्यम उपर हटि पर्दा। जो अमेरिका संस्था सह गांधी परिवार संपर्क नहीं सृष्टि बिवाद, से ही संस्थार प्रतिष्ठाता होती अमेरिकीय उद्योगी जर्ज सोरास, जे किछि वर्ष तले भारत में गणतंत्र प्रसंग में मंतव्य दे आसीथिले विवाद घेरकु। जर्ज सोरास भविष्यवाणी करथिले 2024 रे गादीच्युत हेबो मोदी सरकार। 94 वर्षीय जर्ज सोरास अमेरिकार प्रसिद्ध मैनेजमेंट कंपनी सोरास फंड मैनेजमेंट LLC रो प्रतिष्ठाता। तांको मोट संपत्तिर मूल्य भारतीय मुद्रा रे 61,500 कोटी टंकारु अधिक। केवल अर्थबल नुहे बरं तांकर एनजीओ बा सही फाउंडेशन पै चर्चित जर्ज सोरास जहाँ साहाज्य रे से बहु देश को पूर्वरु भी अस्थिर करि सारिछंती। आउ गत किछि वर्ष होला जर्ज सोरास निशाना रे रही आसिछि आम देश भारत। सोरास एनजीओ रो नाँ हला ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जहार प्रतिष्ठा होता 1993 मसीह। भारत में यह एनजीओ प्रवेश कला 1999। एनजीओ एमती संस्था और ग्रुप को फंडिंग दिए जो माने निज देश में गणतंत्र, पारदर्शिता और अभिव्यक्तिर स्वाधीनता नाँ संघर्ष करती। मध्यम संप्रक्त देशर सरकार और देश को दुर्बल कराए, सेठे विद्रोह मंजी पता जाए। एवं जर्ज सोरास एनजीओ भारत समेत विश्वर 70 देश में काम करुच्ची। नुआ दिल्ली गगन विश्वाल रिपोर्ट। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।